और भैया पुतान के पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। सेनेट इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इम्कान है। मुश्तरका इजलास से सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं मलिक सईद से। सईद बताइएगा कि इन मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाने पर गौर किया जा रहा है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो सेनेट इलेक्शन के बाद बुलाने जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सदारती खिताब के बाद जो है वो पार्लियामानी साल का आगाज होता है कौमी असम्बली के लिए। उसी के बाद जो है वो कौमी असम्बली का आगे शेड्यूल जारी होता है जिसके तहत इजलास होते हैं। इसलिए सदारती इलेक्शन सदारती खिताब के लिए जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर थे जिसके बाद फैसला किया गया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो सेनेट के मुकम्मल होने के बाद बुलाया जाएगा और सेनेट इलेक्शन के बाद बुलाया जाएगा, जिसे पार्लियामेंट के दोनों मेहमानों से सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे और वो अब हुकूमत की पॉलिसी लाइन देंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।